all of you. It's been privilege that you such a wonderful audience is here. And since last 2 days आप सब लोग various topics पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, discussion भी हो रहा है, अच्छी तरह से discussion हो रहा है. तो I hope कि all of you must be gaining experience, gaining knowledge, some extra upgradation in your knowledge. इसके साथ आज मैं मेरा टॉपिक शुरू करने जा रही हूँ. तो आई थिंक एवरीबडी इज कम्फर्टेबल इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो टुडेज माय टॉपिक इज स्ट्रेस मैनेजमेंट. एंड आप सब जो सब लोग स्वस्थ वृत्त के हैं, तो स्वस्थ वृत्त का हमारा डेफिनेशन है स्वस्थ समदोषा समाग्निश्चय समधाति मूल क्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इति अभिव्यक्ति. तो स्वस्थ होने के लिए जो सारे कंपोनेंट्स हैं दोष धातु मल एंड प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, तो ये सारे कंपोनेंट्स अगर स्वास्थ्यावस्था में है तो ही हम उसको स्वस्थ कहते हैं. तो इसमें से एक भी कंपोनेंट ठीक नहीं है तो इट क्रिएट्स स्ट्रेस इन द बॉडी. फिजिकल तो पता ही है कि सारी व्याधियों के मेरा आवाज आ रहा है ना सबको? आई डिड नॉट स्पीक लाउडर, इट्स ओके. तो फिजिकल के बारे में हम लोग जानते हैं कि कुछ ना कुछ अगर बीमारी हो जाती है तो थोड़ा सा स्ट्रेस फिजिकल स्ट्रेस हमें हो जाता है. मेंटल स्ट्रेस ये आजकल बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि कुछ भी अगर समझ में नहीं आता है फिजिकल स्ट्रेस के बारे में, कुछ भी उसका निदान नहीं हो पाता है तो उसको हम मेंटल स्ट्रेस में जाते हैं, डाल देते हैं, ऑटो ये है करके डाल देते हैं उसमें. लेकिन ये सही में है क्या स्ट्रेस? व्हाट इज स्ट्रेस दैट वी हैव टू डिफाइन व्हाट इज स्ट्रेस. सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन इट इज द स्ट्रेस इज द वे दैट वी रिएक्ट फिजिकली मेंटली एंड इमोशनली टू वेरियस कंडीशंस चेंजेस एंड डिमांड्स इन अवर लाइफ. सभी ने किसी न किसी समय पे या दिन में कई बार हम स्ट्रेस फील करते हैं. जैसे आप लोग आपका घर छोड़ के 6 दिन यहाँ पे आए हो फॉर अपग्रेडेशन ऑफ नॉलेज. लेकिन अभी कल परसों ही किसी का ये आया था कि NCISM की विजिट है, उन्होंने कहा है कि मुझे जो भी परिणाम होगा तो आपको उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. तो इट क्रिएटेड अ स्ट्रेस इन हर माइंड कि अब क्या करूँ मैं, क्योंकि हमारे इसमें हमारा टीचर्स कोड है, ये है वो, बहुत हमें इम्पोर्टेंट लगता है इन टीचर्स लाइफ. तो वो इट क्रिएटेड अ स्ट्रेस. तो उसका मुझे फ़ोन आया कि मैडम मैं क्या करूँ, मुझे जाना पड़ेगा या मैं क्या कर सकती हूँ. यू कैन फाइंड अ, तो ईच एंड इन एवरी डे इन एवरी मोमेंट वी फेस स्ट्रेस सम और अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस. सो एक्सपीरियंस वेरियस लेवल्स ऑफ स्ट्रेस इन वेरियस सिचुएशंस इन आवर लाइफ्स. अकॉर्डिंग टू वॉल्टर 1920 वी नीड स्ट्रेस टू हेल्प अस विथ एन एक्यूट रिस्पॉन्स सच एज द फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स. आप सब ने ये टर्म सुनी है फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स की, तो उसको हम आगे भी थोड़ा सा स्ट्रेस करेंगे. स्ट्रेस जो होता है उसके फिर ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के बाद जो अलग अलग लेवल्स हो जाते हैं, तो उसमें फॉरगेटफुलनेस हो जाता है, लॉस ऑफ मेंटल कॉन्सेंट्रेशन होता है, एंजाइटी है, फियर है, ये सारे जो है वो आगे आगे डिप्रेशन है, एक्सट्रीम एंगर एंड फ्रस्ट्रेशन. कुछ चीज़ हमारे मन के अनुसार नहीं होती है तो वी फील वेरी एंग्री और वी फील डिप्रेस कि नहीं अब कुछ होने वाला नहीं, वी फील डिप्रेस. तो ये अगर बार बार होता रहता है तो देन वी गो इन टू द सोशल विड्रॉल, नहीं मुझे जाना ही नहीं है, वो अवॉइड करने लगते हैं सिचुएशन से. एंड देन लॉस ऑफ इंटरेस्ट, हम उसमें हमारा इंटरेस्ट चला जाता है उसमें से. तो इस तरह से ये प्रोग्रेसिव हो जाता है स्ट्रेस का जो सिचुएशन है वो आगे आगे जाके. तो जैसे मैंने कहा कि हमारा जो स्वास्थ्य है उसके हमने 4 कंपोनेंट देखे हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, जो 4 है. लेकिन रिलेटेड टू स्ट्रेस अगर हम ये करते हैं तो जो स्ट्रेस अफेक्ट होता है उससे हमारा बैलेंस चला जाता है. ये 3 लेवल पे, फिजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल. स्पिरिचुअल की बात हम यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि स्पिरिचुअल के माध्यम से हम इसमें बैलेंस ला सकते हैं. अगर स्पिरिचुअलिटी के तरफ जाते हैं, ऐसा होता है बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसे सिचुएशंस आते हैं तो हम कुछ ना कुछ उसका रास्ता खोजते हैं, उसमें हमें स्पिरिचुअलिटी बहुत हेल्प करती है. बाकी जो साइंसेस है उसमें स्पिरिचुअलिटी का इतना महत्व नहीं है. लेकिन आयुर्वेद का बेस ही हम धर्म अर्थ काम मोक्ष जो कहते हैं, तो धर्म इज रिलेटेड टू द
धर्मा एंड मोक्ष, दीज टू टर्म्स आर रिलेटेड टू द स्पिरिचुअल हेल्थ, तो उसका हमें बहुत सारा फायदा होता है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, तो उसको हम बाद में हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। सो ये तीन चीज़ें, बैलेंस होना और इसमें हमारा कोपअप एबिलिटी जो है इसको हमें बरकरार रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इसी स्ट्रेस आया है, स्ट्रेस होता है, लेकिन उसको कोपअप कैसे करें, इसके लिए हमें किस तरह से जाना है, हमारा कैसे मैनेजमेंट करना है, ये हम आगे उसका देखेंगे। इन व्हाट कॉजेस स्ट्रेस, स्ट्रेस क्यों होता है? तो जैसे मैंने कहा कि हर दिन हमें अलग अलग सिचुएशंस का सामना करना पड़ता है, चेंजेस हमारे अनअवॉइडेबल, चेंज इज गोइंग टू हैपन देयर इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। जैसे डे टू डे लाइफ में भी हमारा सर्कमस्टेंसेस चेंज होता है, हमारा लोकेशन चेंज होता है, हमारे रिलेशन चेंज होते हैं, तो इन ऑल दीज चेंजेस वी हैव टू फेस सम और अदर काइंड ऑफ चेंजेस, सम और अदर काइंड ऑफ स्ट्रेस। जैसे मैरिज है, मैरिज के बाद, मैरिज में भी जब मैरिज नया नया होता है तो दूसरे घर से हम आते हैं, या जो नई लड़की घर में आते हैं तो उस लड़की को तो होता ही है, बाकी लोग जो होते हैं फैमिली के उनको भी स्ट्रेस होता है। देन इफ दैट डजंट वर्क आउट, डिवोर्स की सिचुएशन आती है तो अलग तरह के, बिकॉज द कोपिंग एबिलिटी इज नॉट देयर, देन दे हैव टू फेस द चेंज इन द फॉर्म ऑफ डिवोर्स। ओके, सो इन दैट कंडीशन प्रेगनेंसी अच्छा है, प्रेगनेंसी इज हैप्पी थिंग, बट अगेन दैट स्ट्रेस इज देयर कि मैं उसको कोपअप कर पाऊंगी कि नहीं, मैं बच्चे को बढ़ा सकूंगी कि नहीं, मैं फादरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊंगी कि नहीं, मुझे फाइनेंशियल उतना मेरा होगा कि नहीं, सब ये करना। तो ऑल दिस चेंजेस इन लाइफ आर द कॉजेज ऑफ स्ट्रेस, वन और अदर काइंड ऑफ दैट। लेकिन इसको कोपिंग कैसे करते हैं, उसको हम सॉल्यूशन क्या निकालते हैं? तो इफ वी आर ऑर्गेनाइज्ड देन वी कैन कोप अप दैट स्ट्रेस, बट इफ वी आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड वी कैन नॉट कोप अप दैट स्ट्रेस। तो अगर हम प्रिपेयर हैं, जैसे हमने हमारे इसमें बताते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए, सुप्रजनन के लिए हमारी बॉडी को प्रिपेयर करना है, उसी तरह से उसको हमारे मेंटली भी प्रिपेयर करना है। तो नाउअडेज इन वेस्टर्न कंट्रीज दे प्रिपेयर यू, काउंसिलिंग सेशंस लेते हैं या बाद में भी काउंसिलिंग सेशंस लेते हैं। हमारे यहाँ वो सारा काम जो होता है वो फैमिली में किया जाता है, इट इज़ अ गुड सिस्टम। हमारे इंडिया में जो फैमिली सिस्टम है उससे अभी तो हम न्यूक्लियर फैमिली में चले गए हैं, लेकिन जब हमारे जब टोटल फैमिलीज, हमारे एक्सटेंडेड फैमिलीज भी हमारे साथ रहते थे, तो इट वॉज शेयरिंग हो जाता था, एंड देन जो बड़े लोग होते थे उनके द्वारा ये सारा स्ट्रेस जो होता था उसको कोप अप करने की एबिलिटी हमें आ जाती थी। तो देयर आर सम प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली एंड डिफरेंट। तो कोपिंग इन स्ट्रेस जो होता है, जो अब हम काउंसिलर के पास भेजते हैं, जो हमारी मम्मी या डैडी दादी करती थी, वो उसके लिए हमें दूसरी जगह जाना पड़ता है। तो फीलिंग प्रिपेयर्डनेस, अनप्रिपेयर्ड होते हैं तो स्ट्रेस ज़्यादा होता है, प्रिपेयर होते हैं तो स्ट्रेस को कोपअप करने की हमें क्षमता बढ़ जाती है, एंड पावरलेस ऑल्सो। इफ यू सी, जैसे बिल्स की बात है, फाइनेंशियल थिंग है, और वी आर नॉट इक्विप्ड, वेल इक्विप्ड विथ फाइनेंसेस, देन इट इज गोइंग टू हैपन दैट पावरलेसनेस आना ही है उसमें। तो सम सिचुएशंस आर देयर वेयर वी फील पावरलेस, वेयर वी फील हम कुछ नहीं कर पाते, तो इस तरह से ये कॉजेस स्ट्रेस के होते हैं। और फिजिकल कंस्ट्रेंट, जैसे फिजिकल एग्जॉशन है, आपका फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं है, तो इट अफेक्ट्स योर मेंटल हेल्थ, एंड दैट स्ट्रेस बिकम्स, उसका जो ग्रेविटी है वो बढ़ जाता है, तो फिजिकल एबिलिटी भी आपका उसमें देखा जाता है। लैक ऑफ गुड एक्सरसाइज, लैक ऑफ डाइट, प्रॉपर डाइट, इन सारी चीज़ों की वजह से इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर बॉडी और ऑन योर माइंड में एनहांस। सो दीज आर द कॉजेस ऑफ स्ट्रेस। डिग्रीज ऑफ स्ट्रेस, तो जैसे हमने पहले भी कहा है कि पोटेंशियल स्ट्रेस इवेंट्स होते ही रहते हैं, इट्स एवरी नाउ एंड देन वी हैव टू फेस दिस सिचुएशन। जैसे अभी आज मुझे पता चला है कि यहाँ आने वाली जो ये है टैक्सी, क्योंकि PM जा रहे हैं इस रास्ते से, तो वो सारा बंद पड़ा है, तो देन आई केम टू नो दैट सबको आना है मेट्रो से ही आना है। तो मेरे दिमाग में आया कि जो दोपहर वाला आपका सेशन लेने वाले वो टाइम पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। तो इस तरह की हर सिचुएशन हमारे लाइफ में आती रहती है जहाँ पे हमें स्ट्रेस का सामना पड़ना पड़ता है, लेकिन एक राहत मिली कि नहीं मेट्रो चालू है तो मेट्रो से आ जाते हैं।
So these are the thoughts in our minds which are going on continuously, which create stress as well as which counter stress. तो इस तरह से हमारी बॉडी, हमारा माइंड हर तरफ से हर सिचुएशन के स्ट्रेस होता रहता है और उसको काउंटर भी करती होता है. तो सिग्निफिकेंस ऑफ इवेंट भी अगर देखा जाए तो अगर हैप्पीनेस की सिचुएशन है, स्ट्रेस है, मैरिज है, बहुत सारी भागदौड़ करनी है, कैसे होगा, क्या होगा, ये होगा, होगा कि नहीं होगा, बारह जगह पे पहुँचेगी कि नहीं, ये सारा स्ट्रेस होता है. लेकिन वो हैप्पी मोमेंट होता है तो हम उसको झेल पाते हैं, हिंदी फाइंड आउट. लेकिन अगर वही सिचुएशन है कि नहीं, किसी कोई बीमार है घर में और टर्मिनली इल है, देन वी नो दैट वी आर टेकिंग एफर्ट्स बट वी नो द एंड रिजल्ट, देन इन दैट सिचुएशन वी फील वेरी सैड एंड वी कैन नॉट कोप विद दैट स्ट्रेस एंड उसके फिर इफेक्ट्स हमारी बॉडी पर आफ्टर दैट सिचुएशन. तो सिचुएशन कैसी है, स्ट्रेस तो होने वाला है दोनों सिचुएशन में, लेकिन उसको कोप अप करने की माइंड की, बॉडी की जो एबिलिटी होती है, इट डिपेंड्स ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट इवेंट इन अवर लाइफ. दैट इज ऑल्सो वी हैव टू सी. नाउ आप सबको पता है कि हमारे सारे हार्मोन्स जो है, डोपामाइन है, एड्रेनालिन है, या फिर कॉर्टिसोल है, एड्रेनालिन है, ऑल दीज हार्मोन्स आर हैविंग इफेक्ट ऑन द बॉडी फंक्शंस एज वेल एज द मेंटल फंक्शंस. तो इसमें जो पहले बात की हमने फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स की, तो उसके बारे में अगर हम देखेंगे तो ये थोड़ा सा पाथवे स्ट्रेसर इफेक्ट कर दिया है. इट इज़ गिवन इन द बुक्स. सो एंड आई नो यू ऑल हैव gone through all these books, so I will not go in detail about this, because तो adrenaline और corticosteroid, ACTH, CRH, ये सारा जो है उसका इफेक्ट स्ट्रेस जनरेशन में होता है. देन अगेन इट इज इफेक्टिव इन द स्ट्रेस मैनेजमेंट ऑल्सो, हाउ वी टैकल दीज थिंग्स. वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जो उसके ऊपर इफेक्ट होता है. देन एडॉप्शन ऑफ दैट स्ट्रेस, कैसे उसको एडॉप्ट किया जाता है, फ्लाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स है. तो सामना करना है या भाग जाना है, ये हमें देखना है. और इसको हम कैसे लेते हैं, यानी सामना करना है तो हमारी कोपिंग एबिलिटी है इसलिए हम सामना कर पाते हैं. अगर नहीं होते हैं तो हम वी फ्लाई अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन, वी भागना चाहते हैं कि नहीं करना है. एक सिंपल सा उदाहरण मैं देना चाहूँगी यहाँ पे. मैरिज जब नया नया होता है, कोपिंग एबिलिटी होती है, तो सारे लोगों के सास ससुर के साथ रहने की आदत हो जाती है थोड़े दिन देते हैं, तो ये होता है सामना करना. अगर नहीं कोप अप कर पाते, भागना है तो अलग संसार ले लेते हैं. सो दैट इज भागना है वहाँ. तो दीज आर द रिस्पॉन्सेज वी गिव और वी फेस दैट सिचुएशन, हाउ वी फेस दैट सिचुएशन. टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में अगर देखें तो दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेस एंड निगेटिव स्ट्रेस. सो यू सी देर इज अ थिन लाइन बिटवीन पॉजिटिव स्ट्रेस एंड निगेटिव स्ट्रेस. पॉजिटिव स्ट्रेस होता है वही निगेटिव स्ट्रेस में कन्वर्ट हो सकता है इफ वी डोंट कोप अप विद दैट स्ट्रेस और वी डोंट टेक इट पॉजिटिव स्ट्रेस, तो दैट विल क्रिएट अ निगेटिव स्ट्रेस. पॉजिटिव स्ट्रेस को यू स्ट्रेस कहते हैं विच मोटिवेट्स और विच फोकसेस अवर एनर्जी टू अचीव दैट पर्टिकुलर थिंग और अचीव दैट. नाउ इन दिस सिचुएशन वी सी दैट CME का है, 6 डेज CME वी हैव टू अरेंज. तो ये पॉजिटिव, हमारे बच्चों ने पॉजिटिव लिया, वो मोटिवेट हो गए, उनको हमने बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. यहाँ पे आपको लगता होगा कि आइया हमें अच्छा है, सब आते हैं, इतना बड़ा स्टाइपेंड मिलता है, लेकिन ये बच्चे जो है वो दे आर टू मच स्ट्रेस्ड. उनको OPD ड्यूटीज है, उनको वैक्सीनेशन ड्यूटी, स्क्रीनिंग OPD ड्यूटी, धन्वंतरी रथ ड्यूटीज, हमारे यहाँ तो कैंटीन ड्यूटीज है, डाइट ये है, तो इतना सारा करके ये सारे लोग ये मैनेज कर रहे हैं. Because it is positive stress, they know that our department is going to achieve this, they are going to complete this task, okay, and they will get certificate doesn't matter. Ek peeth pe agar thapki dete to wo bhi unke liye kaafi ho jata hai. So in this scenario we know that positive stress helps and focuses their energy. Aapne dekha hoga, they come at 8:30 and they go at 8 o'clock, 7 o'clock after arranging next day's. तो इस तरह से ये पॉजिटिव एनर्जी होती है, पॉजिटिव स्ट्रेस जो होता है वो मोटिवेट करता है आपको काम करने के लिए. ये शॉर्ट टर्म का होता है, 6 दिन का है तो ठीक है, अगर 1 महीने का होगा तो दे विल आल्सो इट टर्न इनटू नेगेटिव स्ट्रेस.
तो शॉर्ट टर्म होता है तो ठीक होता है, इट कैन एग्जाम होता है 6 दिन का है, 8 दिन 8 पेपर देने हैं, दैट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। दिल लगा के पढ़ाई करते, रात दिन पढ़ाई करते, स्ट्रेस तो होता है, बटरफ्लाइज आते हैं, स्वेटिंग होता है, रात भर नींद नहीं आती है, ऑल दीज थिंग्स वी फेस, बट वी नो दैट इफ वी डू गुड वी विल गेट गुड मार्क्स, सो दैट इज द मोटिवेशन, दैट इज द पॉजिटिव स्ट्रेस एंड इट इज इन अवर कोपिंग एबिलिटीज, हम कर पाते हैं। जो नहीं कर पाते हैं, जिनका मेंटल स्ट्रेस, मेंटल ये कम है, क्षमता कम है, देन दे उनको फेलियर लगता है, देन दे फेस अदर थिंग्स, दैट इज इट टर्न इन टू द नेगेटिव स्ट्रेस इन देयर केस। इफ द फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटी नहीं है, देन दिस पॉजिटिव स्ट्रेस टर्न इन टू नेगेटिव स्ट्रेस। पॉजिटिव स्ट्रेस रिजल्ट्स इन एनेबल्स कॉन्सेंट्रेशन, देन इंटरेस्ट इंक्रीजेस परफॉर्मेंस, एनर्जाइज इन टू योर मोशन। अभी ये बच्चे, मैं यहीं का उदाहरण आप लोगों को देती हूँ कि ये सारा भागदौड़ करने से, 6 दिन का सेमी ऑर्गेनाइज करने से, दे आर गेटिंग एक्सपीरियंस फॉर देयर फ्यूचर लाइफ व्हेन दे विल गो इन द एकेडमिक्स और इन रिसर्चेस, सो दे विल हैव दिस एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग दिस इवेंट। सो इवेंट मैनेजर का, मैनेजमेंट का उनको एक ट्रेनिंग यहाँ मिल जाता है, तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग देयर परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस उनका आगे की लाइफ के लिए ये यूजफुल होता है एंड एनर्जाइज यू इन टू द मोशंस। वही कॉन्ट्रैक्ट्स, अब बात करेंगे डिस्ट्रेस की, तो डिस्ट्रेस में जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो एन्जाइटी होती है, लेकिन होगा कि नहीं होगा, कंसर्न्स होते हैं, चिंता होती है हमारे, इसमें हमने बताया है कि रसवाहिनी दुष्यंती, चिंता नाम चाहते चिंतनात रसवाहिनी दुष्यंती, रसवास होते दृष्टि का एक मेन कारण मानसिक भी होता है, भूख तरह ठीक तरह से नहीं लगती है, जो भी खाना खाते हैं अच्छा पचता नहीं है, फिर अगेन सारे हमारे जो मानसिक भी हमें अच्छा नहीं लगना, ये जो फीलिंग आता है बिकॉज ऑफ दैट, तो उसके परिणाम स्वरूप एंजाइटी आती है, कैन बी अ शॉर्ट टर्म एज वेल एज लॉन्ग टर्म। निगेटिव स्ट्रेस या डिस्ट्रेस जो होता है वो कभी शॉर्ट टर्म का भी होता है, लॉन्ग टर्म का भी होता है। अगर एक्सीडेंट हो गया है तो तुरंत वो शॉर्ट टर्म है, पता है हमें कि 2-3 दिन में हमें फ्रैक्चर हुआ है, 2-3 दिन में फ्रैक्चर उसके साथ लगना है, लेकिन उस टाइम पे हमें डर लगता है कि अरे होगा कि नहीं, कुछ ज़्यादा तो नहीं है, तो दैट इज शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म के बहुत सारे, अभी मैंने बताया टर्मिनली इल पेशेंट्स के वहाँ पे होते हैं, या जैसे डिवोर्स कंडीशन है, 6-6, 8-8 महीने हम स्ट्रेसफुल रहते हैं, तो दोज लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं। परसीव्ड एज आउटसाइड ऑफ अवर कोपिंग एबिलिटी, जब ये स्ट्रेस हमारे कोपिंग एबिलिटीज के बाहर चला जाता है, we feel that it is not in our hand now, हमरे इसको कहते हैं helpless हो जाते हैं कि नहीं कुछ नहीं हो सकता अभी इस सिचुएशन में, हमारे आपे के बाहर है, इन दैट केस इट इज आउटसाइड अवर कंट्रोल, फील्स अनप्लेजेंट, अच्छा नहीं लगता है, जो मानसिक स्वास्थ्य की हम परिभाषा बोलते हैं कि वो उसमें चला जाता है कि मेंटली वी आर नॉट हैप्पी इन दैट सिचुएशन, डिक्रीजेस अवर परफॉर्मेंस, नेचुरल है, अगर वी आर नॉट हैप्पी वी विल नॉट give our 100% to that particular task and it will naturally creates the decreased performance, and then after that it can create some physical problems as well as hurry worry curry sab, isme worry is important for upper acidity or hamare isme bhi annavas rotas drishti karan jo bataya usme bhi ye hai ki manasik sthiti aapki bahut important hoti hai, jaise grahani mein bhi hum dekhte hain ki, aur autoimmune diseases mein hum dekhte hain कि ड्यू टू अवर स्ट्रेसफुल सिचुएशन एग्रीवेशन हो जाता है वो डिजीज का, सो दीज आर द फिजिकल साइंस एज वेल एज द मेंटल। सो निगेटिव स्ट्रेस रिजल्ट इन लॉस ऑफ मोटिवेशन, रिड्यूसेस इफेक्टिवनेस, हम काम करने की ये क्षमता खो जाते हैं, एंड ऑल दीज बिहेवियर प्रॉब्लम्स, मेंटल प्रॉब्लम्स, फिजिकल प्रॉब्लम, बिहेवियर प्रॉब्लम, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, एंजाइटी डिप्रेशन तो है, इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है, जो हमारे धारणीय वेग हमें धारण करने हैं उनको हम धारण नहीं कर पाते हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है दैट इज बिकॉज ऑफ द निगेटिव स्ट्रेस। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्ट्रेस, जो लक्षण हम देखते हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर। इसमें हम देखते हैं कि बहुत बार ऐसा होता है कि घर की औरतें जो घर में बोर हो जाती है तो कुछ ना कुछ कंप्लेंट कहती रहती है, सर दुखता है, ये कुछ होता तो नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस दे आर कंप्लेनिंग दिस। हाइपरटेंशन एक बहुत बड़ा है स्ट्रेस, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एक बार ठीक है, लेकिन बार बार अगर वो सिचुएशन
हमें सामना करना पड़ता है, देन दैट एड्रेनालिन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स एंड ऑल दोज हार्मोन्स अफेक्ट योर कार्डियक फंक्शंस एंड हाइपरटेंशन की बीमारी चल जाती है। तो जो भी हम देखते हैं तो ये सारे हार्ट डिजीज इट्स वन ऑफ द कॉज। साइकोलॉजिकल में वी नो दैट एंजाइटी, डिप्रेशन, डिक्रीज इन जॉब सेटिस्फेक्शन एंड बिहेवियर में प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। हम जानते हैं कि बहुत बार हमें मालूम है कि ये काम करने की आदत है लेकिन काम नहीं कर पाते, या काम करने की क्षमता भी होती है लेकिन काम नहीं कर पाते, एब्सेंटिज्म। फिर बच्चों में खासकर हम देखते हैं कि अगर उनको डर लगता है, एग्जाम का डर लगता है, तो दे कुछ ना कुछ बहाना ढूंढते हैं कि आज नहीं जाना है, आज पेट में दर्द है, सर में दर्द है, एंड दे ट्राई टू। ये कोरोना के सिचुएशन में बहुत हमने देखा है इसको। कोरोना के बाद अभी बच्चों को जब हम स्कूल भेज रहे हैं तो नाउ दे आर कंप्लेनिंग ऑल दिस थिंग्स एंड स्कूल्स आर अपॉइंटिंग काउंसिलर्स फॉर काउंसिलिंग ऑफ दिस चिल्ड्रन, बिकॉज ये हो गया है कि घर में बैठ बैठ के अभी उनकी आदत ही छूट गई और नाउ दे आर फेसिंग दैट ट्रबल कि हम जा पाएंगे कि नहीं, कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि सारे जो चीज़ें थी वो ऑनलाइन हो रही थी, तो एक जो रिदम था वो चला गया एंड दैट क्रिएटेड दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस बच्चों में भी आ गया। बूढ़े लोगों में भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बूढ़े लोग आजकल घर से बाहर निकलना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है, कॉन्फिडेंस चला जा रहा है कि मैं जा पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। सो ऑल दीज थिंग्स आर हैपनिंग ड्यू टू दिस कॉज ऑफ स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द कोविड, और ये हम अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउ इट टर्न्स। अगेन दिस सिम्टम्स वो पहले वाले सिम्टम्स यहाँ पे फिर रिपीट हुए हैं, लेकिन इसमें जो है जैसे इंसोम्निया है या लास्टली वी कैन सी द सुसाइडल टेंडेंसी, तो ये महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको पता होगा कि बहुत सारे फार्मर्स जो है वो सुसाइडल टेंडेंसी में चले जा रहे हैं बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ स्ट्रेस, फाइनेंशियल होगा, बारिश नहीं हो रही है या ज़्यादा बारिश हो रही है, वो द चेंजेस जो हमने कहा ना, चेंज जो होता है उसकी वजह से वो एडॉप्ट नहीं कर पाते उसकी वजह से। तो दिस काइंड ऑफ वेरी ग्रेव सिचुएशंस कैन आकर, दैट इज सुसाइडल टेंडेंसीज आर बढ़ रही है। बच्चों में भी आप देखेंगे कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर भी इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है एंड दे रिएक्ट वेरी एग्रेसिवली इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशंस एंड दे टर्न इनटू द सुसाइडल टेंडेंसी। तो ये स्ट्रेस का अल्टीमेट लास्ट थ्रेशोल्ड जब हम पार कर जाते हैं एडॉप्टेबिलिटी की, जो स्ट्रेस है उसको एडॉप्ट करने की एक थ्रेशोल्ड होती है, हर एक की थ्रेशोल्ड होती है, उसको वो अलग अलग इसमें हम जैसे हम बोलते हैं कि हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कैसे है, या फिर हमारा सपोर्ट सिस्टम कैसी है, या फिर हमारा सत्व जो हम बोलते हैं वो सत्व कितना है, मानसिक सत्व, तो ये सारी चीज़ों पे निर्भर होता है कि हमारा थ्रेशोल्ड स्ट्रेस को कोपअप करने का कितना है। हीन सत्व वाले जो होंगे वो छोटी छोटी चीज़ों में भी उनको बहुत दे विल नॉट कोपअप, लेकिन अगर सत्व अच्छा है तो बड़ा सा बड़ा भी संकट आ जाए दे कैन ओवरकम दैट। तो दिस थिंग्स मैटर्स। तो इसलिए आयुर्वेद कहाँ आएगा, हम लोग कहाँ पे, ये तो बैकग्राउंड हुआ कि स्ट्रेस क्या होता है, सिम्टम्स करते हैं। सो वॉट इज़ अवर ड्यूटी बींग अ स्वस्थ उत्तम पर्सन, हम कैसे सोचें इसके बारे में, हाउ वी कैन हेल्प द सोसाइटी और हाउ वी कैन हेल्प अवर स्टूडेंट्स हु आर देयर। तो अभी ऐसे हो सकता है कि ग्रुप है, क्लास है, क्लास में कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, वो आपके पास आता है, बताता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, कैन नॉट कंसंट्रेट ऑन स्टडी। ऐसा नहीं हो सकता कि उसको आता नहीं है, उसको समझता नहीं, देर मे बी सम अदर रीजन्स। तो बीइंग अ मेंटर इट इज़ अवर ड्यूटी टू हेल्प हिम, टू आस्क हिम, टू सपोर्ट हिम। तो इस तरह से बीइंग अ स्वस्थता पर्सन, क्योंकि स्वस्थता मीन्स नॉट ओनली प्रिवेंशन बट टू क्रिएट वेलनेस एंड क्रिएट हैप्पीनेस। तो एज अ स्वस्थता पर्सन इट इज वन ऑफ द जॉब प्रोफाइल फॉर अस टू क्रिएट हैप्पीनेस एंड वेलनेस। मानसिक स्वास्थ्य में भी हम काम कर सकते हैं, आप पढ़ा सकते हैं, आप यू आर बीइंग अ टीचर यू कैन एजुकेट योर स्टूडेंट्स इन दिस स्पेशलिटी ऑल्सो। और आजकल हम देखते हैं कि आयुर्वेदा को, स्वस्थ रक्त को, डाइट को, लाइफस्टाइल को ये बहुत बड़ा ये होता है। तो दिस इज वन एरिया विच इन विच वी कैन एक्सेल, इन विच वी कैन स्पेशलाइज।
मेरी एक दो फ्रेंड्स हैं जो स्वस्थोत्तम में पढ़ी है, लेकिन उन्होंने अपने वेलनेस क्लिनिक या काउंसलिंग का ये खोला है। सो दिस इज़ वन अनएक्सप्लोर एरिया मेंटल हेल्थ के, इसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट के काम में हम लोग काम कर सकते हैं बीइंग अ स्वस्थोत्तम पर्सन। सो दिस इज़ वॉट वी आर इंक्लूडिंग दिस टॉपिक इन सीएल। स्ट्रेस आयुर्वेदा के अनुसार आप सबको प्रज्ञा परत का मालूम है, देही दूती स्मृति विभ्रष्ट कर्मयत कुलते शुभम प्रज्ञा परतम विद्यात सर्वदोष प्रकोपण। सर्वदोष प्रकोपणम लिखा है वात पित्त कफ। अगर आप वात पित्त कफ के प्रकोप के कारण देखेंगे तो उसमें कारण के लक्षण देखेंगे तो उसमें ये सारे मानसिक भाव लिखे हुए हैं। क्रोध है, हर्ष है, उत्साह है, उत्साह हानि है, ये सारे अग्रेसिवनेस है, भय है, शोक है, ये सारे लिखे हैं वात पित्त कफ के। जो भी वात कला का ये अध्याय आप खोलोगे और उसमें देखोगे तो ये कारण भी है, ये फंक्शंस जो है वो वात के पित्त के कफ के अधीन है, और डिरेंजमेंट ऑफ दीज दोषास कैन कॉज ऑल दिस सिम्टम्स। तो बेसिकली जैसे मैंने परसों भी आपको कहा कि फंडामेंटल्स ऑफ आयुर्वेदा आर शाश्वत। वात पित्त कफ को कहीं छोड़ना नहीं है, पंचमहाभूतों को कहीं छोड़ना ही नहीं। निदान में जाओ, स्वस्थ उत्तम में जाओ, या द्रव्य गुण में जाओ, चिकित्सा में जाओ, किसी में भी जाओ, ये तीनों जो चीज़ें हैं उसको हमें कहीं छोड़ना नहीं। तो वात पित्त कफ का कहाँ पे, तो कोई अगर आता है हमारे पास, जैसे कोविड का उदाहरण हम लेते हैं, अगर वो लोग आते हैं हमारे पास कि वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, सो अल्टीमेटली ड्यू टू द कोविड सिचुएशन, ड्यू टू द सोशल डिस्टेंसिंग और ड्यू टू द क्वारंटाइन पीरियड दे हैव टू फेस, दिन भर अकेले रहना इज नॉट अ वेरी यानी इट्स वेरी टीडियस थिंग। आप अकेले यानी हम बोलते हैं ना कि किसी के कंपनी में रहना चाहिए किसी हिसाब से, हमें कभी आप ये करके देखिए जो बोलते हैं ना मौन व्रत रखना है। विपश्यना में जाते हैं लोग, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं विपश्यना में जाने के बाद दे बिकम एग्रीवेटेड, देर इंस्टेड ऑफ कामिंग उनको एजिटेटेड हो जाते हैं बिकॉज दे आर नॉट हैबिचुअल टू दैट साइलेंस, किसी से बात नहीं करनी। बात करने का मतलब होता है वी आर शेयरिंग अवर थॉट्स, वी आर शेयरिंग अवर थिंग्स। तो ये हो जाता है अगर हम आइसोलेटेड रहते हैं, अगर हम किसी के साथ नहीं रहते हैं। लेकिन इस वक्त पे आ जाता है, फिर मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूँगी उसके बारे में। तो ये हमारे जो सारे सिम्टम्स मैंने ऊपर बताए हैं, अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है या बच्चा भी स्टूडेंट भी आपके पास आता है, तो वी कैन कैटेगराइज ऑल दिस सिम्टम्स अकॉर्डिंग टू द दोषास एंड वी कैन मैनेज देम अकॉर्डिंग टू द दोषास इंटरनली एज वेल एज इंटरनल ट्रीटमेंट एज वेल एज द एक्सटर्नल ट्रीटमेंट। दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, ये सारे ऋतुचर्या के बजाय दिनचर्या में जो भी हमारे उपक्रम हैं वो सारे उपक्रमों को हम अगर फिल्टर करें कि कौन सा उपक्रम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ के लिए यूज कर सकते हैं। सो दीज आर अवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। नस्य है नासाई शिव सुदाम, हमने देखा है कि सारा जो स्ट्रेस का अफेक्ट है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे है, ब्रेन पे है, हार्मोन्स पे है। तो नस्य के द्वारा हम उसका ट्रीटमेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और देर आर मेनी रिसर्चेस गोइंग ऑन एंड ऑलरेडी डन इन दिस एस्पेक्ट। अणुतेल भी आप रेगुलरली उसको यूज करने के लिए बोलते हैं, जैसे हमने यहाँ पे हमारे स्वास्थ्य रक्षा किट में अणुतेल डाला था। अणुतेल हेल्प टू कंट्रोल द एंट्री ऑफ वायरस एज वेल एज कामनेस ऑफ देयर माइंड, कोपअप एबिलिटी जो थी वो बढ़ाने में। पुलिस पर्सनल्स में हमने यहाँ पे अय्या ने एक प्रोजेक्ट लिया था, 80,000 पुलिस पर्सनल्स को हमने वो किट दिया था, वहाँ पे संशमनी वटी थी, अणुतेल था एंड आई थिंक काढ़ा था एक, तो एंड च्यवनप्राश भी था। तो च्यवनप्राश स्वास्थ्य रक्षा किट, च्यवनप्राश वॉज हेल्प टू गेन इम्यूनिटी और रिस्टोर इम्यूनिटी, लेकिन अणुतेल के बहुत उसके एडवांटेजेस मिले। जो हमारा नेजल म्यूकोजा है उसके ऊपर इट फॉर्म्ड अ लेयर विच प्रिवेंट द वायरस इन एंटरिंग इन टू द सिस्टम, बट एट द सेम टाइम इट हेल्प देयर टू इंक्रीज देयर मेंटल वेलनेस। तो इस तरह से छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको जो हमारे इसमें उसको हम अभ्यंग
निचरित अभ्यंगम आचरित नित्य अतः पुष्टि तुष्टि वो दिया है, पुष्टि संतोष उससे बढ़ता है, तो संतोष इज अ मेंटल फीलिंग, तो वी कैन एडमिनिस्टर दैट इन ऑल दिस थिंग्स इन ऑल दिस स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो ये हमें रोज करने के लिए कहा है। तो ये सारी जैसे अभ्यंग में रोज तो सारा पूरा नहीं कर पाते हैं, लेकिन शिर श्रवण पादेशुतम विशेषण शिलेत कहा है, शिर उत्तम अंग वात का स्थान, और ये सारे जो सिम्टम्स है वो वात के अधीन है, वात प्रकोप के कारण है। तो वात प्रकोप का शमन करने के लिए स्वस्थ वृत्त में जो दिया है, प्रिवेंटिव भी है क्यूरेटिव भी है, जिनको स्ट्रेस होता है उनके लिए भी हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ यूजिंग तिलक तेल यू कैन यूज अदर तेल, अदर सिद्ध तेल आप दे सकते हैं। किसी ने आपको मना नहीं किया है कि बीइंग अ स्वस्थ वृत्त पर्सन यू शुड नॉट प्रिस्क्राइब मेडिसिन, बिकॉज वी आर बेसिकली ग्रेजुएट्स, बीएमएस पे हमने तो सबने साथ में पढ़ा है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको हम अगर प्रैक्टिस में लाते हैं, वी कैन आइडेंटिफाई इट कि जो जहाँ पे हम ये करते हैं। इस तरह ये दो मैंने एग्जाम्पल्स आप लोगों को दिए हैं, तो ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि आयुर्वेदा पर्सपेक्टिव जो भी मैंने बात की है कि सद्वृत्त का नॉन ऑब्जर्वेंस ऑफ सद्वृत्त, वातकला कलीय अध्याय में ये भी दिया गया कि धारणीय वेदों का धारण न करने के कारण भी ये होता है, और दशविध पाप कर्मों में भी यह बताया गया हिंसा स्थे अन्यथा कामम पैशून्यम दुरुषम स्थे संभिन्ना लाभ विनियम, और संभिन्ना लाभ या ज़्यादा बात करना है कम बात करना, ये सारे सिम्टम्स दोषों के अधीन भी दिए गए हैं। अगर आपका मेंटल स्ट्रेस है तो ये सारे लक्षण आप उसमें देख पाओ, और वात की उत्तम चिकित्सा तेल बताइए। तो इस तरह से अगर लॉजिकली हम विचार करते हैं और फंडामेंटल्स को कहीं भूलते नहीं हैं, तो किसी भी सिचुएशन को हम वात पित्त कफ के साथ एसोसिएट करके, सत्व रज तम के साथ एसोसिएट करके उसका हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने लिए तो कर ही सकते हैं, सोसाइटी के लिए भी कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू पुट फोर्थ। मेजरिंग स्ट्रेस, अभी लेवल्स ऑफ स्ट्रेस कैन बी मेजर्ड। अभी आपके पास जो पेपर दिया गया है ना, तो विल टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक, आप सबको वो भरना है, वो एक स्केल दिया हुआ है एंड देन यू विल हैव टू फिल दैट पेपर, इट्स अ वर्सिव स्ट्रेस स्केल। ऐसे बहुत सारे स्केल अवेलेबल है, अगर गूगल पे आप सर्च करोगे तो बहुत सारे स्केल्स आएंगे। उसको चेंज द स्कोर्स लाइक दिस, यानी अगर आपने नेवर लिखा है तो उसको 4 मार्क्स दीजिए, 1 लिखा है तो 3 मार्क दीजिए, 2 लिखा है तो 2 मार्क्स देना है। फेयरली ऑफन, ओके फर्स्ट ये यहाँ पे लिखा है, मैडम कैन रीड दिस। First, reverse your scores for questions 4, 5, 7 and 8. On these 4 questions, change the scores like this. 0 लिखा है आपने आंसर उसका, तो उसको 4 मार्क्स दीजिए. 1 लिखा है, तो उसको 3 मार्क्स दीजिए. 2 लिखे हैं, तो 2 मार्क्स देना है. 3 लिखा है, यानी fairly often लिखा है, तो उसको 1 लेना है. और very often लिखा है, तो उसको 0 मार्क्स देना है. ठीक है? दिस इज फॉर क्वेश्चन नंबर 4, 5, 7 and 8। बाकी के जो है वो वैसे ही लिखने, 0 को 0, 1 को 1 ऐसे लिखने। एंड नाउ यू कैलकुलेट योर स्कोर। फोर फाइव सेवन एंड एट ये जो क्वेश्चन है इसमें ऐसे करो, कैलकुलेट करो सबको। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सबको अंडरस्टूड है? नाउ यू कैलकुलेट योर स्कोर। Okay. Now you see what is your total score is, and now the third thing, तीसरी जो line है, scores ranging from 0 to 13 would be considered as low stress,
ranging from 14 to 26 will be considered as moderate stress, and ranging from 27 to 40 will be considered high perceived stress. Okay? So, मुझे बताइए अभी कौन कौन है जो हाई परसिव स्ट्रेस में है? कोई नहीं है? Nobody is there who has score between 27 to 40? Nobody is there. Good. Who has moderate stress 14 to 26? थोड़ा हाथ जरा ऊपर कीजिए. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. नहीं ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं हाथ. सर एडमिट, यू आर एडमिटिंग दैट यू आर हैविंग मॉडरेट स्ट्रेस. ओके, एंड 0 टू 13. ओके, सो वेरी गुड मेंटल स्टेटस, यू कैन से दैट. दैट मींस 0 टू 13 जिनका स्कोर है, दे हैव कोपिंग एबिलिटी मोर. स्ट्रेस तो है, सबको है, लेकिन दे हैव कोपिंग एबिलिटी मोर. बिटवीन जो है, मॉडरेट वाले जो है, उनकी कोपिंग एबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है. एंड दोज हु आर हैविंग, फॉर्चुनेटली नोबडी हैज 27 टू 40, दैट इज अ हाई परसीव स्ट्रेस, बिकॉज दे विल रिक्वायर द ट्रीटमेंट. ओके, सो माइल्ड टू मॉडरेट और लो टू मॉडरेट कैन कोप अप देयर स्ट्रेस एंड कैन डील विद देयर स्ट्रेसफुल सिचुएशन ऑन देयर ओन विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विच वी विल नाउ शो इट टू. Okay, so these kind of various scales are available on Google also, and you can just get them in your researches also related to mental health if you are planning any research. Okay, so these levels of the stress can be measured. Objectivity जो हम बोलते हैं ना research में, हम बोलते हैं कि objectivity लानी है, objective criteria discuss करना है. Anything, Mitanjali? प्रॉब्लम है वहाँ, उनको कैलकुलेट हो गया सर का. तो विथ हेल्प ऑफ सच स्केल्स, हियर आई हैव मेंशन होम्स एंड रायस स्ट्रेस स्केल, इसी तरह का है ये परसिव स्ट्रेस स्केल है, इसी तरह के अनेक और भी स्केल्स हैं ये, इससे हम ऑब्जेक्टिविटी ला सकते हैं. सेकंडली चेंजेस इन ब्लड प्रेशर एंड स्किन रिस्पॉन्स, वो हम थर्मामीटर, डिजिटल थर्मामीटर या ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा हम ये कर सकते हैं. तो इस तरह से वी कैन फाइंड आउट हाउ मच स्ट्रेस वी आर हैविंग. देन टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, अभी हमें पता चला है कि हमें स्ट्रेस है, कितने लेवल का स्ट्रेस है, हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज इट. सो दिस इज कोपिंग विथ स्ट्रेस, एवरीबडी हैज हिज ओन इंडिविजुअल अप्रोच टू स्ट्रेस. ओके, बहुत ऐसे एक एग्जाम्पल देती हूँ कि कोई होता है जिसको स्ट्रेस हुआ तो वो खाता ही रहता है, उसको भूख ज़्यादा लगती है, खाता, भूख नहीं भी लगती तो खाता रहता है. ओबेसिटी के रीज़न में हम देखते हैं कि बच्चों में ये पाया जाता है कि एग्जाम के दिनों में उनकी भूख बढ़ जाती है, नींद बढ़ जाती है. तो दिस काइंड ऑफ इंडिविजुअल वो रिस्पॉन्सेस होते हैं. या कोई कोई ऐसा रहता है कि वो घूमने जाना पसंद करता है, ही जस्ट गो, ही विल जस्ट गो एंड हैव अराउंड एंड देन ही कम बैक, उसका दिमाग ठंडा हो जाता है. आपने ये फिल्म देखी होगी थ्री इडियट्स, उसमें वो आमिर खान बोलता है कि ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऐसा बोलो तो स्ट्रेस कम हो जाता है. इस तरह से कोई ना कोई रिस्पॉन्सेस होते हैं. या फिर वो चक दे फिल्म आपने देखी होगी, वो जो पंजाबी लड़की होती है वो बहुत गुस्सेल होती है, उसकी मौसी उसको बताती है जब भी उसको गुस्सा आए उसको पानी दिया कीजिए, पानी पीने के लिए. तो जलम आश्वासकरणम श्रेष्ठ, हमारे इसमें दिया है. तो इस तरह के हर एक के कोपिंग मेथोडोलॉजी अलग अलग होती है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट अवर ओन, हमें अपने आप से ढूंढना पड़ता है कि वो कैसे करेंगे, उसको कोप अप कैसे करेंगे. इसमें ABC स्ट्रेटेजी हम उसको ये कर सकते हैं कि A मीन्स अवेयरनेस, हमें पता होता है, हमें पता चलता है कि अब हम स्ट्रेस आने वाला है हमें, जैसे हार्ट बीट्स बढ़ने लगते हैं या फिर मुंह सूखने लगता है. एट दैट टाइम वी कैन यू फाइंड आउट दैट वी आर फेसिंग द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. जैसे गाड़ी हम चलाते हैं, टू व्हीलर अगर चलाते हैं, बीच में एकदम से कोई आ जाता है तो एकदम दिल में दर्द हो जाता है, वी नो दैट स्ट्रेस हो गया, तभी मुंह सूख जाता है और हम गालियां बकने शुरू करते हैं उसको, क्या बीच में आया, ऐसा किया, वैसा किया. दैट इज अवर रिस्पॉन्स
अवर स्ट्रेस, हम उसके ऊपर गुस्सा नहीं है, बिकॉज वी हैव टू कोप अप दैट स्ट्रेस, वी रिएक्ट दैट वे, रिस्पॉन्ड दैट वे. सो अवेयरनेस हो जाता है. देन बैलेंस, ये सिचुएशन अवेयर हो गए हम, ये है. अभी जैसे मैंने कहा कि मुंह सूखने लगता है, तो इफ वी ड्रिंक वाटर आश्वासनाकरम श्रेष्ठ. कभी भी बोलते हैं ना उसको, कोई भी आता है कुछ सिचुएशन में तो उसको बिठा के पानी पी ले, पानी ऑफर करते हैं. सो दैट इज वन वे ऑफ बैलेंसिंग हिज स्ट्रेस. सो दिस अवेयरनेस के बाद बैलेंस करना कैसे है उसको. जैसे कोई रोने लगता है तो हम उसको रुमाल निकाल के देते हैं कि आंसू पोंछ, बैलेंसिंग माइंड को शांत करने के लिए. या फिर उसको एक सिंपथी देते हैं कि वी आर विद यू, हम आपके साथ हैं. तो दैट इज द वे ऑफ शोइंग एम्पथी है, सिंपथी है. ये बैलेंस क्रिएट करने की, ऑल दिस आर द जेस्टर्स ऑफ अवर रिएक्टिंग टू द रिस्पॉन्स. और द पर्सन हु इज फेसिंग दैट स्ट्रेस, उसको बैठ जाते हैं, एकदम से बैठ जाते हैं. अगर कोई दुखद घटना का समाचार हमें मिल जाता है तो एकदम सर को पकड़ के हम बैठ जाते हैं. दैट इज द बैलेंस, ही हैज टू एब्सॉर्ब दैट इंफॉर्मेशन, ये स्ट्रेसफुल है, तो उसको शरीर रिएक्ट करता है कि बैलेंस करना चाहिए. एंड देन कंट्रोल, बैलेंस होने के बाद फिर हमारा दिमाग सोचने लगता है कि हाउ वी आर गोइंग टू कंट्रोल दिस सिचुएशन. ओके, तो अगर गाड़ी के सामने कोई आता है, ब्रेक दबाते हैं, छाती में धक धक होता है, हम दो चार गाली बक देते हैं, दिल भी गाड़ी बंद करके एक मिनट रुकते हैं, फिर चलने लगते हैं, तो आगे से देखते हैं, यहाँ वहाँ देखने लगते हैं कि अरे कोई आ तो नहीं रहा है. सो दैट मीन्स वी आर कंट्रोलिंग दैट सिचुएशन. तो इस तरह से ये ABC स्ट्रैटेजी हम अडॉप्ट करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में. तो यही अडॉप्शन या यही स्ट्रैटेजी हम काउंसिलिंग में यूज कर सकते हैं. टेक्निक्स ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट, जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे तरह से हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं. तो ऑटोजेनिक ट्रेनिंग होता है, हम अपने आप से कहते रहते हैं, हमें पता चलता है कि हम स्ट्रेसफुल होने रहे, या हमें गुस्सा आता है, इस बात पे मुझे गुस्सा आ रहा है, एंड अगेन एंड अगेन. एक वही मैरिज वाला उदाहरण देती हूँ मैं, सास और बहू का पटता नहीं है, वो सास कुछ भी बोलती है तो बहू को गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आता है. एक ट्रेनिंग हो जाता है कि उसको पता है कि भी इन चीज़ों में सास मुझे गाली देने ही वाली है, ये उसको बार बार होने के बाद वो होता है, तो वो ट्रेन कर देती है अपने माइंड को कि ये तो होने ही वाला है, वो तो गाली देने ही वाली. थोड़ा सा कुछ दूध उबाल के गिर गया गैस पे तो ये शी इज गोइंग टू सॉल्व इट, ये उसको ट्रेनिंग हो गया है, शी विल कम. फर्स्ट एक दो तीन इंसिडेंट्स में उसको लगेगा ये क्यों सुनाती है, एक्सीडेंटली तो हो गया है, ऐसा क्या है, लेकिन शी ट्रेन हर से, दैट इज द ऑटोजेनिक थे. कॉग्निटिव थेरेपी, ये सारे साइकोलॉजिकल हमारा विषय नहीं है, लेकिन हम भी ये कर सकते हैं. कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में काउंसिलिंग करना है, यानी यू विचार कैसे, पहले विचार पैदा होता है, देन इमोशंस डेवलप होता है, देन कृति होती है उसके अनुसार. तो ये उनका तीन स्टेजेस होती है. तो वी कैन ऑल्सो लर्न दैट, देर आर मेनी कोर्सेस, ऑनलाइन कोर्सेस आर देयर फॉर दिस कॉग्निटिव थेरेपी के लिए. वी कैन ऐड that knowledge to our own field and we can practice in this aspect of cognitive therapy. Conflict resolutions, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो यानी हम कोई भी झगड़ा होता है तो बोलते हैं ना एक न्याय देवता, यानी किसी तीसरे को बुलाते हैं कि इंटरवेन करो आप, ये झगड़ा सुलझाओ, झगड़ा खत्म करो. या घर में भी अगर होता है, बच्चों में होता है, तो माँ ये भूमिका निभाती है. तो इस तरह से ये कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का काम जो होता है वो काउंसिलर करता है, दैट वी कैन अडॉप्ट. एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज से हमें पता है कि गुड फील गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं नेचुरली, निगेटिव हार्मोन्स या निगेटिव इमोशंस कम हो जाते हैं. अभी ये मेडिसिन की बात है, मेडिसिन और ये जो है वो दैट मीन्स काय चिकित्सा पर्सन विल डू, बट वी कैन ऑल्सो इंटरवेन इन वॉट एवर आई टोल्ड यू, लाइक रसायन है, या फिर पंचकर्म में हम शिरोधारा है, ये शिरोपिचू है, ये सारा करके मेडिसिन देके हम उसको ये कर सकते हैं. देन टाइम मैनेजमेंट, वी नो प्रिपेयर्डनेस जो पहले बात की हमने, तो वी नो या क्या कहते हैं उसको, टाइम मैनेजमेंट यानी डिसऑर्गेनाइज्ड जो अगर हमारी आदत है, तो वी कैन ट्रेन आवर सेल्फ, वी कैन मेक आउट, वी कैन फाइंड आउट दैट यू आर नॉट डूइंग ऑर्गेनाइज थिंग. सो वी कैन ट्रेन आवर सेल्फ टू ऑर्गेनाइज द थिंग. और टाइम मैनेजमेंट, हमें 8 बजे पहुंचना है तो मुझे
एक घंटा लगता है तो 7 बजे मुझे घर से निकलना है, तो मुझे 6 बजे उठना है। तो ये जो होता है पहले 2-4 दिन होगा, 10 दिन हमें लेट हो जाएगा, फिर अपने आप हम ट्रेन हो जाते हैं। सो दैट इज टाइम मैनेजमेंट एंड प्रिपेयर्डनेस। म्यूजिक थेरेपी, दिस इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज नॉट माई स्पेशलिटी, सो आई कैन नॉट टॉक अब मच अबाउट दैट। बट म्यूजिक थेरेपी हेल्प्स, यानी हम देखते हैं कि बहुत बार शांत करने वाले, मन को शांत करने वाले बहुत सारे म्यूजिक के राग होते हैं, जैसे क्लासिकल म्यूजिक में होता है या सूदिंग म्यूजिक भी होता है। योग निद्रा के बहुत सारे वीडियोज आपने देखे होंगे, उसमें एक सूदिंग म्यूजिक चलता है, इट हेल्प्स टू स्लीप। जैसे बच्चे को सुलाते वक्त ये गाते, लोरी गाते हैं ना, क्यों? तो बच्चे को शांत करने, तो काम द माइंड, सम म्यूजिक हेल्प्स। एंड नाउ वी विल कम टू योगा पार्ट। जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हमने छोड़ा था वहाँ पे हेल्थ का, वो यहाँ पे हम लाएंगे। तो योगा में मेडिटेशन है, डीप ब्रीदिंग है, या फिर जैसे योग निद्रा है, माइंडफुल मेडिटेशन, मेडिटेशन के भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताए या बहुत सारे टाइप्स बताए। स्पिरिचुअलिटी अगर कोई पढ़ता होगा तो आपको पता है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति या अल्टीमेट हमारा ह्यूमन बीइंग का एक ये बताया हुआ है। और ये जीवात्मा परमात्मा, ये सारे थियोरीज हम पढ़ते हैं, कोई ना कोई सुनते हैं पढ़ते हैं। तो दिस ऑल दिस लाइफ इज अ माया, ये हमें उस जो पढ़ते हैं उससे हमें पता चलता है। लेकिन बीइंग सांसारिक और बीइंग प्रापंचिक, वी हैव टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज, बट वाइल परफॉर्मिंग दोज ड्यूटीज वी शुड नॉट गेट इन्वॉल्व इन टू देम। गीता में जो कर्मयोग बताया गया है, कर्मण्य राधिका वस्तु महापुरुष, तो इस तरह से काम तो करना है, फल की अपेक्षा नहीं। योग भी वही कहता है, समत्वम योग उच्यते, दुख और सुख में एक ही बुद्धि रखो। तो इस तरह से ये है, लेकिन इसका हम अवलंब कैसे करें, इसको हम कैसे प्रैक्टिस में लाए, इसके लिए योग हमें हेल्प करता है। योग के जो अष्टांग दिए गए हैं, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियमों का काम सद्वृत्त पालन के जैसा है। वी हैव टू, यम के द्वारा मानसिक शुद्धि है, नियमों के द्वारा शारीरिक रेगुलराइजेशन या जो टाइम मैनेजमेंट है या फिर सातत्य है, ये सारी चीज़ें रोज रोज करना है, रोज सुनना है, रोज करना है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये योग के अवलंब से हम कर सकते हैं। बी इन प्रेजेंट, हमें प्रेजेंट में जीना है, माइंडफुल मेडिटेशन वही सिखाता है। अभी जो चल रहा है ना, उसमें आपका मन लगा, उसके उसको आप 100% वहीं पर कॉन्सेंट्रेट करें। हम हमेशा जो पीछे होता है उसमें होते हैं या जो आगे करने वाले उसमें होते हैं। जस्ट गेट अवेयर योर सेल्फ, आप कभी भी बैठे हो ना तो आप ध्यान दो अपनी तरफ से, तो आपके मन में जो विचार आते हैं आइधर वो पीछे हुए घटनाओं के बारे में होते हैं या आगे जो घटनाएं होने वाली होती है या जो आप करने वाले होते हैं उसके बारे में होते हैं। वी आर नेवर हियर। अभी भी आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे, कॉलेज में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, बच्चा स्कूल गया है कि नहीं, हस्बैंड में ये बच्चों को मैं छोड़ के आई हूँ, हस्बैंड ने उनका ख्याल रखा कि नहीं, टिफिन दिया कि नहीं, ये सारा आपके दिमाग में चल रहा है। आप सुन तो रहे हैं मेरी बात, समझ भी रहे हैं, लेकिन योर माइंड इज नॉट हियर। तो इस तरह से माइंड को प्रेजेंट में लाना इज वेरी ट्रिकी एंड यू हैव टू प्रैक्टिस दैट। तो वो प्रैक्टिस मेडिटेशन के द्वारा ही हम कर सकते हैं। डे टू डे अगर ये योगा की प्रैक्टिस करते हैं, हम बताते हैं, बताना भी चाहिए, बिकॉज इट इज़ आवर ड्यूटी, इट इज़ ब्रेड एंड बटर है हमारा वो बताना, लेकिन हमें खुद भी उसको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, जो बताते हैं उसको प्रैक्टिस भी करनी। सो ये चीज़ें जो है योगा के बारे में, तो योगा की ये जो चीज़ें हैं दे आर वेरी इम्पॉर्टेंट इन स्ट्रेस मैनेजमेंट। दैट इज़ व्हाई आई टोल्ड यू कि स्वस्थवृत्त पीपल आर द बेस्ट पीपल टू वर्क इन दिस एरिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ के। दिनचर्या का भी देखिए, स्वस्थवृत्त के बहुत सारे जो एस्पेक्ट्स हैं ना, उसको सारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस में वी कैन हेल्प, बिकॉज वी लर्न ऑक्यूपेशनल। एपिडेमोलॉजी कोविड का हमने देखा है, उसमें मेंटल हेल्थ का कितना इम्पोर्टेंस रहा है। तो ऑल दीज एरियाज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, प्रेगनेंसी है, पोस्टनेटल डिप्रेशन है, तो ये सारी एरियाज में स्वस्थवृत्त पीपल पर्सन कैन वर्क इफेक्टिवली इन मैनेजिंग द स्ट्रेस। सो दैट इज अवर स्ट्रेंथ एंड दैट
यू शुड ऑल्सो फील प्राउड टू बी अ स्वस्थोत्त पर्सन एंड प्राउड टू बी अ स्वस्थोत्त टीचर बिकॉज इन योर स्टूडेंट यू आर गोइंग टू इम्बाइब ऑल दीज थिंग्स इफेक्टिवली इफ यू प्रैक्टिस दिस देन ओनली यू कैन टीच दिस सो ऑल दीज थिंग्स विद दिस व्हेन स्ट्रेस बस्टर होते हैं बी प्रिपेयर्ड फॉर चेंज वी हैव ऑलरेडी हमें ये करना है चांस लेना है तो हमें तैयारी मानसिक तैयारी करनी जैसे हम पंचकर्म के द्वारा शुद्धि करते हैं वैसे ये करना चाहिए ये वो जो चीज़ें हैं ये है अवॉइड गिविंग हाँ ये एक चीज़ होती है इफ यू कुड नॉट कोप अप विद स्ट्रेस यू कैन गो टू द सब्सटेंस अल्कोहल में जाते हैं ड्रग्स में जाते हैं स्पेशली यंगर जनरेशन पित्त का काल होता है यंगर जनरेशन में पित्त संताप तपसंता पे पित्त क्रोध उसमें ज़्यादा आता है एग्रेसिवनेस होता है देन रिबेलियन नेचर होता है उस अवस्था में तो उस अवस्था में इफ दे डोंट मैनेज स्ट्रेस और इफ दे डोंट कोप अप विद द स्ट्रेस दे मे गेट इनटू द ड्रग अब्यूज सो इस केस में भी जैसे चाइल्ड साइकोलॉजी है या एडोलेसेंट स्टेज में है उसमें भी हम काम कर सकते हैं इसके बारे में तो इसके इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स स्ट्रेसफुल सिचुएशंस वो बार बार हम बताते ही रहते कि भी पॉजिटिव भी पॉजिटिव भी पॉजिटिव तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हैं जो हमें प्रैक्टिस में लानी है और एक क्षण रुकिए स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है ना तो रुक जाइए बैठिए सोचिए कि सही में मैं कर सकता हूँ ये आप आपके पेशेंट्स को या आपके क्लाइंट को भी बता सकते हैं व्हेनेवर यू फील दिस बैठिए सोचिए कि ये सही में रिएक्शन जो मैं दे रहा हूँ वॉज दैट रिक्वायर्ड बहुत बार ऐसे होता है कि चिल्लाते हैं हम क्रोध में व्यक्त करते हैं और बाद में हमें पछतावा आता है अरे मैं नहीं करती तो ठीक था मराठी में एक हमारे महाराष्ट्र में एक साधु संत है उनका एक वाक्य है कि आप क्रोधित होते हैं लेकिन उसका दुष्परिणाम आगे वाले व्यक्ति को नहीं जिस पे क्रोध करते उसके ऊपर नहीं हम पे ज़्यादा हमें उसके सारे दुष्परिणाम उभरने पड़ते हैं जैसे हमारा ही टेम्परेचर बढ़ता है हमारा ही बीपी बढ़ता है हमारे मेंटल स्ट्रेस हो जाता है हम ही बाद में दुखी होते हैं तो ऑल थिंग्स रिवर्स बैक हम पे ही होती है तो इसलिए है कि सोचना है रुकना है जो भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तो डिफेंस प्रिंसिपल जो है हमारा बचाव जो करना है या स्ट्रेस से जो बचना है उसके लिए स्टॉप फॉर अ थॉट एक विचार कीजिए उसके बारे में माइंडफुल यानी अभी इस घड़ी में जो हो रहा है उसकी रिएक्शन से तो इसलिए आप खुद की हेल्प कीजिए बाकी लोगों को भी हेल्प करने दीजिए तो ये सारा है ऑप्टिमाइजिंग लाइफ एंड स्टाइल इम्प्रूविंग योर वर्किंग एंड लिविंग एनवायरनमेंट अगर पता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जॉब में जॉब सेटिस्फैक्शन नहीं है बॉस ऑलवेज आपको कुछ ना कुछ हायर टारगेट देता है आजकल ये बहुत होता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत देखते हैं कि उनको टारगेट्स दिए जाते हैं या मार्केटिंग में तो टारगेट्स दिए जाते हैं और दे डोंट फुलफिल दैट टारगेट डोंट अचीव दैट टारगेट देन उनको जो कि बोनस है या जो वर्क्स है वो नहीं मिलते देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड दे लीव द जॉब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाते हैं एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाते हैं उसकी वजह से इम्बैलेंस ऑफ हेल्थ इम्बैलेंस ऑफ माइंड इम्बैलेंस ऑफ दोषास एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल तो ये एक नष्ट चक्र की होती है तो लाइफ और लाइफ स्टाइल कितना चाहिए मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे बेटर करना नहीं है आई वॉन्ट टू बी बेटर बट कहाँ तक है कहाँ तक जाना है कहीं तो भी एक आके आपको सोचना है कि वॉट आर माई रिक्वायरमेंट्स वॉट आर माई एम्बिशंस एंड वो एम्बिशंस के लिए मैं तैयार हूँ क्या अगर नहीं है अगर मैं आप लोकल लेवल पॉलिटिशियन हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ तो इज इट अ गुड एम्बिशन एज पर माई एबिलिटी नो सो यू हैव टू नो योर एबिलिटी एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू कीप योर टारगेट्स इन तो कहाँ पे नहीं करना है ना कहाँ कहना है ये भी हमें सोचना पड़ेगा इसके लिए हमारा खुद का एनालिसिस करके यानी ये सब आप करिए ऐसा मैं नहीं कर कह रही हूँ ये सब आप आपके क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को करने के लिए साइकोलॉजिकली कैसे उनको ये कर सकते हैं करने के लिए सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स दैट कैसे हम स्ट्रेस को ये कर सकते हैं
अभी जो मॉडरेट और माइल्ड स्ट्रेस है जैसे मैंने कहा, वो खुद को कोप अप कर सकते हैं, खुद को एनालिसिस करके, ये जो टेक्निक्स मैंने बताई है वो करके कर सकते हैं। लेकिन इफ दोज हु आर हैविंग हाई लेवल परसीव स्ट्रेस, उनके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। दे नीड, वो आपके इसमें नहीं आएगा, देन यू हैव टू रिफर देम टू द साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। उसके लिए वो भी आपको पता होना चाहिए, जो मैंने कहा ना, आपका रीजन, आपका दायरा कहाँ तक है, और यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड देन यू हैव टू रिफर देम टू द एक्सपर्ट्स। कीप योर स्ट्रेस डायरी, ये भी बता सकते हैं कि जिस चीज़ से आपको स्ट्रेस आता है उसकी, उसको नोट किया कीजिए, देन यू कैन नेक्स्ट टाइम अगर वही सिचुएशन आती तो मेरी रिमेम्बर कि अरे ऐसा होता है, ये हैव टू। तो इसलिए ये डायरी ये कर सकते हैं। देर आर मैनी रिसर्च पेपर्स इन दिस एरिया, ये कुछ पेजेस मैंने लिखाए हैं यहाँ पे, लेकिन आप गूगल पे सर्च कीजिए, देर आर मैनी। ओके, राइट नाउ वी आर हैविंग वन, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा, हमने इसके बारे में बात की है, इसके लिए मेडिटेशन की बात की है, मेडिटेशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बहुत सारे रिसर्चेस हो गए हैं, तो वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं गूगल पे। अभी यहाँ पे जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा एक आयुष का PHI पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इट इज फॉर द पुलिस पर्सनल्स, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट बाय आयुर्वेदा इंटरवेंशन फॉर पुलिस पर्सनल्स। उसका टाइटल है प्रमोशन ऑफ नॉलेज एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस ऑफ मेंटल हेल्थ स्टेटस एंजाइटी स्ट्रेस डिप्रेशन अमंग पुलिस पर्सनल थ्रू आयुर्वेदा इंटरवेंशन। और उसमें हमने पुलिस पॉपुलेशन लिया है, पूरे दिल्ली के जो पुलिस है उनके, उनको हम ये करेंगे, उनको स्क्रीन करेंगे और उनका कैटेगराइजेशन करेंगे माइल्ड मॉडरेट सीवियर में, और फिर उनको ये दे देंगे। ये स्केल्स हमने ले लिए उसके इन्वेस्टिगेशंस के लिए, जैसे अभी जो आपने देखा वो एक स्केल्स है, हैमिल्टन एंजाइटी रेटिंग स्केल है, हैमिल्टन डिप्रेशन स्केल है, पेन के लिए, क्योंकि स्ट्रेस में पेन भी होता है, कहीं नेक पेन होता है, बैक पेन होता है, हेडेक होती है, तो उसके लिए वहाँ स्केल दिया है। तो ये सारे स्केल्स हमने यहाँ पे यूज़ की है, इंसोमनिया का है, फटिक असेसमेंट से है। और जो मेडिकेशंस हम दे रहे हैं उसमें ब्राह्म रसायन, जटामंसी टैबलेट, अभिपत्ति कर कामदुर्गा, ये जो है दैट इज़ फॉर द पित्त प्रकोप या पित्त रिलेटेड जो लक्षण उनमें पाए जाते हैं उसके लिए है। एंड दोज हु आर हैविंग एक्स्ट्रा स्ट्रेस यानी सीवियरिटी है, तो उनके लिए शिरोधारा 7 days विद ब्राह्मी अश्वगंधा। तो ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है राइट नाउ, इट इज़ 1 year कंप्लीट हुआ है, एंड अराउंड 100 सीवियर पुलिस पर्सनल्स, मोर देन 100 सीवियर पुलिस पर्सनल्स हैव टेकन द बेनिफिट ऑफ शिरोधारा एंड गिवन वेरी गुड फीडबैक अबाउट दैट थिंग। एंड उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन भी डाले हैं CBC, और ये तो है कॉर्टिसोल लेवल भी हम उसका चेक कर रहे हैं। इसका इस तरह का हम प्रोजेक्ट यहाँ पे लिया है। एंड वन ऑफ माय स्कॉलर जय कृष्ण, ही हैज आल्सो टेकन वन रिसर्च प्रोजेक्ट इन पुलिस पर्सनल्स ओनली, बट ही इज डूइंग स्क्रीनिंग हाउ मेनी ऑफ देम आर हैविंग दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस। सो दिस इज ऑल अबाउट स्ट्रेस, आई थिंक इट्स ओवर नाउ एंड वेलकम फॉर योर क्वेश्चंस। Any questions? रिद बस्ती। एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ ऑयल, कार्डियक पल्पिटेशन जैसे लक्षण होते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि आप थम जाइए, रुक जाइए, तो इट कैन गिव द सिमिलर इफेक्ट। रिद बस्ती में आप लिटाते हैं कार्डियक, यानी उस एरिया में रुद बस्ती वो ऑयल पोर करते हैं, तो वात प्रकोप के कारण ही रुद्र जैसा लक्षण है, पल्पिटेशन जैसा लक्षण, तो वो कम करने में वो हेल्प करता है। जस्ट लाइक अभ्यंग, इट इज वन काइंड ऑफ स्नेह। वो सिमिलर काइंड ऑफ माधव बाग का जो ट्रीटमेंट है ना, मेनी ऑफ यू मस्ट नॉट बी नोइंग, इट इज इन महाराष्ट्र, डॉक्टर रोहित साने, ही इज एक्चुअली इज एलोपैथिक पर्सन एंड ही हैज स्टार्टेड दिस माधव बाग फ्रेंचाइजी, एंड कोइंसिडेंस इज दैट हिज फादर, मींस
मिस्टर माधव साने, ही वॉज अ टीचर टू मी, काय चिकित्सा मुली आणि डॉटर्स काय चिकित्सा. तो रोहित वॉज वर्किंग विथ हिज फादर अँड देन ही डेव्हलप्ड दिस चेन ऑफ क्लिनिक्स अँड इन विच डायबिटीज के लिए है या रुद्रोग के लिए है उन्होंने कुछ पैकेज डेवलप किए. उसमें रुद्रबस्ती है, स्नेहन स्वेदन है, इस तरह का, और मेडिकेशंस भी कुछ कुछ है. पंचकर्मा लेके ही गिव्स फ्रेंचाइजेस टू द डॉक्टर्स, कंप्लीट लाइफस्टाइल मैनेजमेंट. तो उस तरह से ये फील गुड फैक्टर ही वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है. बट पीपल गेट, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू ना, कि वेलनेस जो है प्रिवेंटिव आस्पेक्ट ही है उनका. प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, दे ऑल्सो हैव कोर्सेस ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी. मैं उनके कोर्स के लिए एज ए एग्जामिनर जा चुकी हूँ. तो वो MBBS डॉक्टर्स भी वो कोर्स करते हैं उनके यहाँ, एंड इट इज़ एफिलेटेड टू महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस. इफ एनीवन ऑफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन डेफिनेटली जॉइन दैट कोर्स. आई एम नॉट प्रमोटिंग हिम, बट इट इज अ हेल्पफुल कोर्स टू एड ऑन योर वैल्यू एडिशन जो होता है ना, वो करने के लिए आप कर सकते हैं. यस, जैसे डायबिटीज के लिए कुछ अलग है, कार्डियक प्रॉब्लम्स के लिए कुछ है, ब्लड प्रेशर के लिए है, कंजेसिव के लिए. लेकिन अच्छे रिजल्ट्स हैं, इंटीग्रेटिव अप्रोच. एनी अदर क्वेश्चन, एनी अदर इनपुट्स? थ्री मंथ्स का ट्रीटमेंट शेड्यूल है उनका. उसमें 7 दिन शिरोधारा, बाकी दिन मेडिसिन. नहीं, पर्टिकुलर टाइम पे, बिकॉज पुलिस पर्सनल सर हैवी ड्यूटी, उनको ड्यूटी से यहाँ पे आना ही बहुत दिक्कत होती है. वी आर रिक्वेस्टिंग देयर अथॉरिटीज टू ग्रांट देम हाफ डे लीव टू कम फॉर शिरोधारा, बट इट इज इन द प्रोसेस. बट स्टिल नाउ द पेशेंट, द पुलिस आर कमिंग एंड दे आर वेरी गुड इफेक्ट्स ऑफ दैट. तो कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं जो कि मतलब काउंसलिंग से तो ठीक नहीं होते, क्रॉनिक स्ट्रेस और कुछ डिप्रेशन की तरफ हो जाती है, तो वो हेल्थ सेंटर में जाने के लिए तैयार नहीं होते, जो भी क्योंकि अवेलेबल नहीं होता है शायद. और दूसरा ये कि वो साइकोथेरेपिस्ट के पास भी जाने के लिए मतलब इतना रेडी नहीं होते. इस सिचुएशन में सिर्फ काउंसलिंग से या जो आज हमने डिस्कस किए प्रोसीजर की दिनचर्या की कुछ प्रोसीजर होंगे या टेक्निक्स प्राणायाम, इससे तो वो थोड़ा बहुत रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो एक्यूट मैनेजमेंट होता है, क्योंकि हर पेशेंट को एक हफ्ते में कुछ ना कुछ रिजल्ट चाहिए, तो वो कंटिन्यू करेगा. यदि हम उनको प्राणायाम और ये चीज़ें बताएँगे तो शायद एक दो हफ्ते में उनको रिजल्ट आ सकता है. तो इसमें कुछ लिमिटेड मेडिसिन हमारे पास है जो कि हम यूज़ करते हैं, जैसे कि सारस्वत है, मानस मित्र होता है, सारस्वत ग्रुप है, कल्याण ग्रुप है, जटामुंसी है, जटामुंसी खंड खंड देते हैं. तो ऐसा कुछ क्लिनिकल आपके मतलब कुछ केसेस नहीं? यही सारा है, हम भी यही सारा देते हैं. अलग सा कुछ है जो नहीं? देखिए, पेशेंट का आपके ऊपर, देखो ये युक्ति वपाश्रय चिकित्सा होती है, मेडिसिन सभी वही यूज करते हैं. रोहित साने भी वही यूज करते हैं, आप भी वही यूज करते हैं. लेकिन रोहित साने जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट करते हैं, वो प्रोजेक्शन आप करना सीखो.
लेकिन कुछ चीजें मैं जब मैं साउथ में था तो कुछ नई चीजें आ गई स्ट्रेस मैनेजमेंट में, जैसे कि शुरू द्वारा तो हम लेते हैं लेकिन वो पेशेंट देख के डिसाइड करते हैं कि इसे तक्र धारा लेनी है या तेल धारा लेनी है। जैसे कि एक डिप्रेसिव स्टेज होती है और एक हाइपर एक्टिविटी स्टेज होती है, तो डिप्रेसिव में हम तक्र धारा ज़्यादा प्रिफर करेंगे, हाइपर एक्टिविटी होगी तो हम लेट अमाउंट से देख के तेल धारा करेंगे। तो कुछ मेडिसिन जैसे कि प्रशम है, जैसे कि हमारा नहीं, मैं ऐसा अलग मेडिसिन कुछ नहीं करती और मैं इसमें मैं प्रैक्टिस भी नहीं करती। मेरा जो एरिया है वो डाइट एंड लाइफस्टाइल, ओके, आई डोंट प्रैक्टिस इन मेंटल हेल्थ। क्योंकि ऐसी एक सिचुएशन आती है कि हम देखते हैं पेशेंट को और ऐसा लगता है, हमें फील होता है इसे कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि इतना सारा डिस्टर्ब होता है, फैमिली डिस्टर्ब होता है, पूरा उसका लाइफ डिस्टर्ब होता है, तो मेडिसिन की जरूरत होती है। और एकदम एलोपैथी में और बाकी में जड़ से उनको कुछ एंटी एंजाइटी मेडिसिन देते हैं, बाद में वो डिपेंडेंट हो जाते हैं और बीच में वो स्टॉप कर देते हैं, उसका साइड इफेक्ट ऐसा होता है कि सुसाइडल टेंडेंसी, बीच में हमें ऐसा पता चलता है कि वो पेशेंट भी चला रहा है। इसीलिए मैं आपको वही कही ना, वैल्यू एडिशन वाले जो कोर्सेस है ना वो आप उसके साथ में कीजिए। यू कैन ऐड कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इज नॉट काउंसलिंग को, काउंसलिंग इज नॉट दैट। आपका सत्वा अच्छा होना चाहिए इसके लिए, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस के लिए आपका सत्वा अच्छा होना चाहिए एक तो है, दूसरा है सुनने की क्षमता आप में बढ़नी चाहिए। पेशेंट को क्या होता है कि उसको कोई सामने वाला सुने सारा, इसीलिए आते हैं। एंड व्हेन यू लिसन यू गिव व्हेन यू चार्ज ना 1000 rupees, एक घंटा आप सुनो उसकी 1000 rupees चार्ज करो ना सिर्फ सुनने के। और सुनने से क्या होता है, इफ ही शेयर्स दैट थिंग, इफ ही वेंट आउट हो जाता है, बॉन्डिंग डेवलप हो जाता है, वेंट आउट हो जाता है, देन ही गेट्स रिजल्ट्स। यू शुड बी अ गुड लिसनर, कभी भी ऐसा कहा जाता है यू शुड बी अ गुड लिसनर। एक काउंसलिंग में तो एक या दो सीटिंग में वो आपके पास कुछ भी नहीं बताएंगे। ऐसा मेरा एक अनुभव है, SBI के मैनेजर थे वो लेडीज, और 25 सालों से उनके मन में जो दबा पड़ा था, एज मैनेजर वो कहीं बैठ भी नहीं हो सकते थे और घर के भी कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो वहाँ भी वो कोपअप करते वक्त उनके जो स्ट्रेस था उसकी वजह से जो डिसीज था उसमें काटिकिसा ओपड़ी में एक्चुअली वो आए थे, पर जितने चाहिए उसमें रिजल्ट नहीं हो पा रहे थे हमारे यहाँ रेफर हुए। तो 3-4 सेटिंग के बाद मतलब बाद में वो एक दिन इतना रोए कंटिन्यूस उनके साथ स्टॉप होने के बाद, काउंसलिंग होने के बाद, और आफ्टर दैट बहुत ही अच्छी तरह से चिकित्सा डिपार्टमेंट के मेडिसिन के भी रिजल्ट आए और अपने इसमें भी, मतलब ऐसा भी जिंदगी में होता है कि हम व्यस्त नहीं हो पाते। दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली। आजकल जो हो रहा है ना कि वो सोशल है वो, और जैसे सर ने कहा कि वो साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकेट्रिस्ट के पास जाना नहीं चाहते बिकॉज इट इज़ अ सोशल स्टिग्मा कि वो वहाँ पे जा रहे हैं, उनको वो बढ़ाना उनका ये अलग है, दैट इज़ नॉट आवर फील्ड। लेकिन व्यक्त होना ये जो ज़रूरी है मेंटल हेल्थ में, वो आजकल फादर मदर दोनों काम पर चले जाते हैं, बच्चे भी काम पर, घर शाम को घर आते हैं एक घंटा सारे TV के सामने बैठे, नोबडी लिसन्स टू एनीबडी। तो ये जो सुनना है ना, ये सुनने के इसलिए फिर डॉक्टर कहाँ है के पास आ जाते, यू शुड इम्प्रूव योर लिसनिंग कैपेसिटी। जी हो सकता है। सेकंड थिंग मुझे पूछनी है कि ये जो हमारे
फिर आगे ये अभी हमारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन हम दे रहे थे वो चारों, उसके साथ हमने डाइट को ऐड किया है क्या कि उनको अलग से डाइट काउंसलिंग? डाइट शीट दिया है, डाइट शीट दिया और योगा और प्राणायाम त्रिदोष शामक ऐसा आहार हमने दिया है। योगा का भी कंपोनेंट इसमें, हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसमें योगासन, प्राणायाम और मेडिटेशन ये भी डाल, तो ये तीनों चीज़ें। So, okay, so I think next speaker has come. It was nice talking to you and अच्छे discussion भी हुए. You have any queries, any, I am available here. You can come and discuss with me. Okay? Thank you. अरे नहीं हिंदी करना, सर्टिफिकेट क्या पढ़ते ये नहीं आप।